और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई है। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह सुनवाई हुई है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब 10 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है और इस मामले में अब ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की है और कोर्ट ने ईडी को समय भी दिया है, यानी कि 10 दिनों के बाद अब जो है ईडी जवाब दाखिल करने की तैयारी करेगी। इन 10 दिनों में ईडी पूरी प्लानिंग करेगी कि किस तरीके से जवाब दाखिल करना है, क्या कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखना है, ईडी का पक्ष क्या होगा, हेमंत सोरेन की ओर से क्या पक्ष होगा, तो इसके लिए इंतजार करना होगा। ये वक्त दिया गया है। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में ये सुनवाई हुई है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की है और कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को समय भी दे दिया है। तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन को इंतज़ार करना होगा उनकी जमानत के लिए। फिलहाल उन्हें कोई राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ईडी ने कोर्ट से समय की मांग की है जवाब दाखिल करने के लिए और जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने ईडी को समय भी दिया है। 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब 10 जून को इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। तो 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जो है वो जवाब दाखिल किया जाएगा ईडी की टीम की ओर से। अब 10 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है, जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की है और उनकी जमानत याचिका पर फिलहाल आज जो सुनवाई हुई उसमें ईडी को समय मिला है जवाब दाखिल करने के लिए। 10 जून को अगली सुनवाई होगी और इन 10 दिनों में देखना अहम होगा कि किस तरीके से ईडी उन जवाबों को दाखिल करने के लिए प्लानिंग करती है, क्या कुछ पक्ष ईडी की ओर से सामने रखे जाते हैं। तो ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की है, ऐसे में कह सकते हैं कि अभी जो जमानत का इंतजार कर रहे हैं हेमंत सोरेन, बार बार जो उनकी ओर से याचिका दायर की जा रही है, फिलहाल इसमें उनको फिलहाल तो राहत अभी नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आज झारखंड हाई कोर्ट की ओर से ईडी को समय मिल गया है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है और अब जब समय ईडी को मिला है तो 10 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। तो फोन लाइन पे हमारे साथ सहयोगी नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और कह सकते हैं कि एक बार फिर से उनके लिए राहत की खबर तो नहीं है। ईडी ने समय की मांग थी और समय भी ईडी को मिल गया है। 10 जून को अगली सुनवाई होगी, विस्तृत सुनवाई। बिल्कुल, जब हेमंत सोरेन ने बीते दिनों जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में फाइल की थी और आग्रह किया था कि जल्द सुनवाई इस मामले को लेकर हो और आज सूचीबद्ध किया गया था मामला और जो
न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय की अदालत में मामले की सुनवाई भी आज हुई है। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ताओं ने ईडी का पक्ष रखते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय का आग्रह किया था कोर्ट से, और उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ईडी को 10 जून से पहले हलफनामा दाखिल करके जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और मामले की अगली तारीख जो है सुनवाई के लिए वो निर्धारित कर दिया है 10 जून का। साथ ही उस दिन विस्तृत सुनवाई जो है मामले को लेकर होगी, और भी जो है उसमें पक्ष जो है रखा जाएगा, बताया जाएगा हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ जो है उनकी मांग है, क्या कुछ आधार उन्होंने रखा है, क्योंकि याचिका दाखिल किया गया है। उस याचिका में हेमंत सोरेन ने बताया है कि जो आरोप ईडी की ओर से लगाए गए हैं सारे आरोप बेबुनियाद है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है और वो बेकसूर है, ये तमाम बातें जो है उसमें कही गई है और बहुत सारा पॉइंट भी दिया गया है। लेकिन अगर बात करें जमीन घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कई जगह पर वो जा चुके हैं, मतलब कई न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इससे पहले भी पीएमएलए कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। साथ ही बीते 3 मई को जो झारखंड हाईकोर्ट से फैसला आया था उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले याचिका पर, उसको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारी बातें हैं वो छिपाई गई थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, इसके बाद उन्हें अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी थी, और ऐसे में एक बार फिर से वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और जमानत याचिका फाइल की है। 10 जून को जब मामले की विस्तृत सुनवाई होगी तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर इसी तरह उन्हें इंतजार करना पड़ता है जेल से रहते हुए, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है उसके लिए बिल्कुल इंतजार करना होगा नवीन। 10 जून को विस्तृत मामले की सुनवाई होगी और क्या कुछ पक्ष दोनों रखा जाता है उसका भी इंतजार करना होगा। ठीक है नीरज, इंतजार करनी होगी और 10 जून को जब मामले की विस्तृत सुनवाई होगी तो उस विस्तृत सुनवाई के बाद क्या सीएम पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर जमीन घोटाला मामले में उनकी जो गिरफ्तारी हुई है इसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल समय की जो मांग की गई थी ईडी की ओर से, कोर्ट ने ईडी को समय दिया गया है 10 दिनों के अंदर जो है वो ईडी अब जवाब दाखिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।